कोऑर्डिनेट सेक्शन को आज आगे फिर से बढ़ाते हैं। कंटिन्यू लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जैसा कि ये बताया जाता है कि जो भी वीडियोस की ये सीरीज आ रही है उन सारे बच्चों के लिए जो बिगनिंग पे हैं और कॉन्सेप्ट के शुरुआती दौर पे हैं। कार्टेशियन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है। हम लोगों ने, जैसा कि अगर आप पहली बार अगर देख रहे हैं या शुरुआती दौर पे हैं, तो आप इससे पहले सेक्शन वाइज इसके पार्ट जो हैं उनको आप देखिए। लगभग 7 पार्ट्स में हमें डिवाइड करके रखा है, पहले से ही आ चुके हैं, अब आगे बढ़ाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप आज की वीडियो को देखते हैं तो उससे पहले के वीडियोस को आप देख लें, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट और बिगनिंग के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। आज कोऑर्डिनेट ये कार्टेशियन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो ट्राइंगल में सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। इनके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे, आज या आगे आने वाले वीडियोस पर हम लोग कॉन्सेप्ट, सिमेट्री और शॉर्टकट, इन सब पे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आप शुरुआत से ही इसको ध्यान से देखें और लास्ट तक जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, ये मैं आपसे एज ए एडवाइस करूँगा जो भी है। और आज सेंट्रोइड को और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रोइड के शुरुआती डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरेटिकली डेफिनेशन आपके सामने है। ज्योमेट्री हम चाहते हैं कि आपके सामने बनाएं जिससे आप देखें। ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उस पार्ट को टाइम, इस पार्ट को इसलिए लिखा गया है कि आपके सामने जब समय ना जाए हो, बट ज्योमेट्री आपके सामने बिल्कुल इत्मीनान से बनाएंगे। अब उसको भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करें तो विदाउट फिगर आउट किए हुए अगर आप क्वेश्चंस का प्रयास करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो एलजेब्रा है। आप बेसिक एलजेब्रा सीख रहे हैं, तो मेरी एक सलाह, आप लास्ट तक बिल्कुल की नोट्स बना के रखें। अगर आप ये मेरा स्टेटमेंट सुन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने कॉन्सेप्ट अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बताए जाएंगे, उससे सबसे ऊपर इस कॉन्सेप्ट को रखें कि हमेशा प्रयास करें तो क्वेश्चंस को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ें, पूरी लैंग्वेज को। यहाँ पर क्वेश्चंस एक थ्योरेटिकली लैंग्वेज फॉर्म में होता है, तो आपका रीडिंग कैपेबिलिटीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को, सेंटेंस को कैसे आप फॉर्म करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज या किस मीडियम में आप हैं, अगर हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम आपको दिया जाता है, एकदम से दिया जाए तो आप समस्या में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, कैलकुलस में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में एकदम से आपको रखा गया तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल और किस मीडियम के हैं वो मैटर करती है। तो आप इंग्लिश मीडियम के नहीं है, पहले आप कंफर्टेबल हो, हिंदी मीडियम के नहीं है तो कंफर्टेबल हो, जो भी है, तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने होंगे। उसको पढ़ने के बाद आप ज्योमेट्री फिगर आउट करें, देन आफ्टर दैट एलजेब्रिक पार्ट जो बचा हुआ है, जो एलजेब्रा है, उसको करना है, ठीक है। इस बात को की नोट्स बना के रखेंगे, थोड़ा समय हमने लिया, बट इसको आप उस तरीके से ना लें कि समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक। तो सब अब आपके सामने, मैंने बोला कि फिगर हम आपके सामने बनाएंगे, तो एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, यहाँ ले लेते हैं एक ट्राइंगल ABC कंसीडर किया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल क्लोज फिगर है, और जब भी नेमिंग कन्वेंशन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन होना चाहिए, चाहे जहाँ से भी शुरू करें रोटेशन हमारा इस तरीके से होना चाहिए। वर्टाइसिस हमने ले ली कि ये दिए गए हैं, ये वर्टाइसिस भी एज्यूम कर ली, ट्राइंगल हमने एज्यूम कर लिया। अब ये ध्यान रखें कि कभी भी ट्राइंगल हम लोग एज्यूम करते हैं तो एक इक्विलेटर ट्राइंगल की तरह एज्यूम करते हैं, बट दिमाग में हमारे हमेशा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी होने चाहिए ऑलवेज। कोई भी डेफिनेशन अगर लगाएंगे तो इस टाइप के ट्राइंगल और या इस टाइप के ट्राइंगल, एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बुक में ऐसा बना रहता है, तो हमारे दिमाग में इक्विलेटर ट्राइंगल की इमेज बनी रहती है। तो उसने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन या मीडियंस, ठीक है, ये एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है। अगर आप इसको हिंदी में रूपांतरण करें कि मीडियंस या मध्यिका के जो मिलन बिंदु है उसी को हम सेंट्रोइड बोलेंगे, मगर मीडियंस जब तक आपको पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तब तक आप इस डेफिनेशन को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन वर्ड को देखेंगे कि मीडियन है क्या, अच्छे से समझते हैं, इसी से आपको आगे फर्दर समझ में आएगा। मीडियन इज अ लाइन, तो सबसे पहली बात कि मीडियन एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है। लाइन के बारे में आप जानते होंगे, सीधी रेखा,
उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। लाइन का भी डेफिनेशन होता है, बट जब लाइन का पार्ट देखेंगे तब उसमें देखेंगे। मीडियन इज अ लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, तो कोई भी वर्टेक्स बोला गया तो हम लोग ए वर्टेक्स को मानते हैं कि जहाँ से शुरुआत करेंगे हम ए वर्टेक्स को सपोज कर रहे हैं। ए वर्टेक्स ले लिया गया टू इट्स अपोजिट साइड, तो सपोज अगर हमने ए लिया तो इसके सामने वाले, अपोजिट मतलब सामने, तो ए के सामने बी सी साइड है, बी के सामने ए सी है और सी के सामने ए बी है। तो हम ए को ले रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा कौन है, साइड कौन है, बी सी। तो यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान दें, मीडियन इज अ लाइन ज्वाइन, ज्वाइन मतलब वही है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ज्वाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, तो एक लाइन है वो एनी वर्टेक्स ए से टू इट्स अपोजिट साइड। आप ज्वाइन करने के लिए इसको मिलाना है, तो ऐसे ऐसे कैसे भी मिला सकते हैं, और कंडीशन आगे दी गई इन सच ए वे, मिलाना इस तरीके से कि ये लाइन डिवाइड्स साइड्स, उस साइड्स को इक्वली इन टू पार्ट्स। तो जब वो लाइन सामने वाली भुजा को इक्वली इन टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो एक ऐसे पॉइंट पे ज्वाइन होने चाहिए जो ऑलरेडी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता हो। एक ये पॉइंट डी लिया जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइन के द्वारा मिला दीजिए। तो जो ये लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया गया है, जो लाइन सेगमेंट है, यही क्या है हमारा मीडियन। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर ए बी सी वर्टाइसिस लिए, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना है, तो पहले एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट सपोज यहाँ पर आया डी, तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइन के द्वारा मिला दिया, तो ये क्या हो गया मीडियन। अब अगर यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी, तो इस वाली भुजा को आधा आधा करना है, तो डी यहाँ लिया, तो ए से मिलाया, तो इस तरीके से एक ज्वाइन हुआ लाइन सेगमेंट मिला जो आधा आधा डिवाइड करता है, तो ए डी। तो एक जनरली हमारे कॉन्सेप्ट बनता है कि ए डी, अब यहाँ पे लगा कि ये परपेंडिकुलर है, क्या लग रहा है हमारे दिमाग में कि 90 डिग्री बना रहा है, बट यहाँ देखिए तो 90 डिग्री नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ये सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पे कट करता है, इस बात का दिमाग में कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, कर भी सकता और नहीं कर सकता, इस बात पे हम कंसर्न नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस बात का है कि ये लाइन सेगमेंट जो सामने वाली भुजा है उसको दो बराबर भागों में बांटना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि मीडियन क्या होता है। अब मीडियन एक वर्टाइसिस से एक मीडियन खींचा गया, तो ऐसे ही ट्राइंगल में तीन वर्टाइसिस हैं, तो ए से सामने वाली भुजा को सपोज ए डी मीडियन है, और बी से सामने वाली भुजा के लिए बी मीडियन है, बताया गया था आधा आधा डिवाइड कर रहा है, और सी से सामने वाली भुजा के लिए सी एफ मीडियन है। अब ये तीनों मीडियन का पॉइंट एंड इंटरसेक्शन यहाँ पे आया, तो इस पॉइंट का नाम दिया गया जी, यही पॉइंट क्या है सेंट्रोइड। हमें अब पता क्या करना है, सेंट्रोइड के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी ये क्या होंगे, वही पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड पता हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर चीज़ को पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सेंट्रोइड के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इवैल्यूएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले हमने माना कि तीन ऐसे पॉइंट्स जो कोलिनियर नहीं है, एक रेखा में नहीं है, उनकी हेल्प से एक त्रिभुज बनाया गया, तो यहाँ पर तीनों वर्टाइसिस के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ही दिए गए हैं। इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है कि वर्टाइसिस के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, उसकी हेल्प से आपको सेंट्रोइड के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सामने एक मीडियन ए डी लिया, वो सामने वाली भुजा को आधा आधा डिवाइड करता है, इसका मतलब डी मिड पॉइंट है, डी क्या है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फार्मूला पहले बताया गया था कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट मिड में दो बारह भागों में बांटता है तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री दोनों को जोड़िए दो से डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट में ऐसा करिए दोनों को जोड़िए और दो से डिवाइड। तो यहाँ पर डी पॉइंट हमारा आ गया, ठीक। अब डी पॉइंट आ गया, हमें निकालना क्या है जी सेंट्रोइड। अब देखें कि एक लाइन सेगमेंट हमारी ऐसे निकल के आई ए, और इधर है डी और इधर जी है हमारा, ये हमारा एक्स टू कहाँ वाई टू आ गया, ए एक्स वन कहाँ वाई वन देखिए है सामने आपके, और डी आया एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू और वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू, ये हमें पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आप देखिए अंतःविभाजित इंटरनल डिवीजन का अगर फार्मूला देखें तो यहाँ पर ए और डी पता है, जी के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता है, केवल रेशियो पता चल जाए
तो अब यहाँ पर जी के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल लेंगे। तो आपको अगर नहीं पता है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रॉयड है जी, जी डिवाइड्स मीडियन एडी या कोई भी मीडियन हो एडी इन द रेशियो 2:1। तो अगर 2:1 ले रहे हैं तो फ्रॉम वर्टेक्स, ये ध्यान रखें कि वर्टेक्स की तरफ से 2:1, और अगर 1:2 ले रहे हैं तो फ्रॉम साइड, भुजा की तरफ से 1:2, अगर वर्टेक्स लेने 2:1, और अंताव्याजित इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन एडी डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, ठीक। तो वर्टेक्स हमारी देखिए यहाँ पे ए है और साइड के साइड डी पॉइंट है, तो ये उसने बोला कि वर्टेक्स से साइड से 2:1, ठीक है। एक अगर देखा जाए कि अगर 1:2 और 2:1 अगर आप भूल जाते हैं, तो हमने जनरली एक बना कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि वर्टेक्स और साइड, तो अगर मतलब ये मैंने बोला कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक हमारा खुद का अजम्पशन है, अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, इसको फॉलो करें। वर्टेक्स और साइड में वी और एस, तो अल्फा वर्टिकली अगर देखें तो बी वी जो है ये वी है, ये बाद में आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और एस पहले आता है, ऐसे ही तो है, वी बाद में आता है और एस पहले आता है। तो नंबर में 2 बाद में आता है और साइड मतलब 1 पहले आता है, तो वर्टेक्स की तरफ से 2:1 और साइड की तरफ से 1:2। तो ऐसे याद करने के लिए कि भाई हमने याद किया कि वर्टेक्स की तरफ से, तो वर्टेक्स में वी पहले आ रहा है और साइड में एस बाद में आ रहा है अल्फ़ाबेट में जो इंग्लिश वर्णमाला है, ऐसे ही नंबर में भी क्या है कि 2 बाद में आ रहा है, और तो वर्टेक्स की तरफ से तो 2 बाद में आया 2:1, और साइड्स के तो हमें देखा 1:2। तो ऐसे याद रख सकते, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमें जी के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो पता चल चुका है हमें, वर्टाइसिस दी गई हैं, इसकी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर आप पीछे के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें इंटरनल डिवीजन को, तो आपको बताया गया था कि इसका रेशियो क्रॉस इसका एस से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा x2 + x3/2 और प्लस करेंगे, और इसका इसके अपसिसा से 1 × x1, फिर जो रेशियो होगा 2+1, ठीक है। अगर रिमाइंड करें तो समस्या नहीं आएगी। तो देखिए क्या आएगा, x1 + x2 + x3/3, ये x कोऑर्डिनेट आया, तो ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 + y2 + y3/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि am of abscissa, कि तीनों को जोड़ा और 3 से डिवाइड, और इसको क्या लिख सकते हैं, am of ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तीनों को जोड़ा और 3 से डिवाइड, या ऐसे लिख सकते हैं कि summation xi/3, यहाँ पे भी summation xi yi/3, ठीक है, ये x और अब y है। i का मतलब है कि यहाँ पे तीन ही तो वर्टाइसेस हैं, x1 x2 और x3, ठीक। तो एक सामने आपके क्वेश्चन है, सिंपल सा है, केवल जस्ट वेरीफाई करने के लिए हम लोग ले रहे हैं कि कोई क्वेश्चन में अगर मिस हो गया हो आप कॉन्सेप्ट, क्यों बहुत इजी है। यहाँ पे वर्टाइसिस दी गई हैं, ए बी सी आपके सामने है, सेंट्रॉइड जी निकालना है। देखिए हमने ट्रायंगल फिगर आउट किया, 3,4 ए वर्टाइसिस, 2,6 वी वर्टाइसिस, -3,7 सी वर्टाइसिस। हमें सेंट्रॉइड के सरकम सेंट्रॉइड जी के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने, तो एक्स 1, 2 और 3 जगह पर है, तो 3 + 2 - 3, समझ आई बात कि नहीं, सारे x उठा लिए और उनको जोड़ दिया और 3 से डिवाइड। ऐसे क्या करेंगे, सारे y उठा लेंगे और जोड़कर 3 से डिवाइड, 3 से 3 गया तो यहाँ पे 2/3 आ गया, टैली कर ले आंसर, और 17/3 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। केवल इसलिए लिया गया कि जिससे कि आप समझ जाएं, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस करते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, आप ध्यान दें, यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, वेयर बिट पॉइंट्स ऑफ साइड्स आर गिवेन।
तो यहाँ पे वर्टाइसेस ना देखिए मिड पॉइंट ऑफ साइड्स दी गई है, देखिए फिगर आउट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए बी सी ट्राइंगल लिया गया, अब ए बी सी ना देखे उसने कहा कि साइड्स के मिड पॉइंट, तो डी ई और एफ, तो इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिए गए 2, 4, 3, 7 और 5, 8। प्रॉब्लम को समझें कि आपको वर्टाइसेस ना देके मिड पॉइंट दिए गए तब आपको सेंट्रॉइड निकालना है। तो इधर ध्यान दें कि अगर एक शॉर्टकट पर डिस्कस करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट दिए गए x1 कहाँ y1, d दिया गया और e दिया गया है, x2 कहाँ y2 और f x3 गामा y3 दिया गया। तो अब आपको मिड पॉइंट्स की हेल्प से वर्टाइसेस निकालने हैं। देखिए वर्टाइसेस की हेल्प से मिड पॉइंट निकालने हो तो सीधे वर्टाइसेस को जोड़कर आधा कर देंगे x और y के साथ। वर्टाइसेस दिए गए, मिड पॉइंट निकालना क्लियर है शायद, ठीक है, हो भी गया होगा। अब मिड पॉइंट दिए गए हैं, वर्टाइसेस निकालने, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दें इस वाले को, ध्यान दें बहुत, ऑब्जर्व करें। जब ए के पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ए के सामने वाला जो मिड पॉइंट है उसका x और बाकी दोनों पॉइंट्स के x, तो बाकी दोनों को जोड़ेंगे, x2 प्लस x3 को जोड़ दिया और सामने वाले को घटाएंगे। इसी चीज़ को सिमिलर y के साथ करेंगे, जो सामने नहीं है मतलब f और e, इनके y कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे y2 प्लस y3 और सामने वाले को घटा देंगे। अब एक बार हम लोग इधर देख लेते हैं जिसे क्लियर हो जाए, या ऑटोमेटिक निकाल लेना। इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है तो सामने वाले को घटाएंगे और बाकी दोनों को जोड़ेंगे, तो इसके सामने वाले के अलावा कौन है, डी और ई, इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2 और सामने वाला क्या है, तो वो निगेटिव में जाएगा। ऐसी वाई के लिए y1 प्लस y2, सामने वाला क्या है y3, तो यहाँ पर टैली कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इसके पॉइंट ऑफ, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मिड पॉइंट दिए गए हैं तो वर्टाइसेस निकालनी हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे तो 5 प्लस 3 माइनस, सामने वाला क्या है 2, ये जोड़ देंगे 8 प्लस 7, सामने वाला क्या है -4 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो वही कर रहे हैं और डायरेक्टली जोड़ के रखेंगे, हाँ इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और माइनस सामने वाला 3, इसको इसको जोड़ेंगे तो 12, सामने वाला 7, ऐसे यहाँ पर भी। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 5 और -5 तो 0 आ गया, ये जोड़ेंगे तो 11 8 गया -3 आ गया, ठीक। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस को हम रिपीट कर रहे हैं, बस ये क्या किया कि अभी जो सॉल्व किया था उसको हमने सही से रख दिया, मिड पॉइंट्स वही दिए गए हैं और जो हमने वर्टाइसेस निकाले गए थे तो सॉल्व करके यहाँ रख दिए। अब देखो हमने उसको दो पार्ट में दिखाया है, एक बार दिखाया कि जो उसकी वर्टाइसेस हैं ए बी सी वो दिखाई हैं, एक बार दिखाया एक फिगर में जो मिड पॉइंट है। अगर आप वर्टाइसेस ये दी गई हूँ या आपने निकाली हूँ तो इसका सेंट्रॉइड अगर निकालें तो ध्यान दें 4 प्लस 0 प्लस 6, तो 4 प्लस 0 प्लस 6 10/3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 11 19/3 आ गया। अब देखिए ये ट्राइंगल दिया गया, उसके मिड पॉइंट दिया गया, फिर भी हम ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट। तो देखिए 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, 10/3 और 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 8 19/3। तो कंक्लूड क्या किया कि वर्टाइसिस के द्वारा जो सेंट्रॉइड था और वर्टाइसिस के मिड पॉइंट के द्वारा जो सेंट्रॉइड था वो सेम था, क्या हो गया, कोइंसिडेंट, क्या हो गया, कोइंसिडेंट, ठीक। क्यों हुआ, फिगर देखें एक बार, ए बी सी, अब ए बी सी में हम लोग यहाँ पर मीडियंस को लेंगे, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये मीडियन ही तो है, डी ई एफ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी बोला गया। अब ये मीडियन मिड पॉइंट है, इनको मिलाने पर एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनेगा। अब इस ट्राइंगल से मिड, इस ट्राइंगल सामने वाली भुजा को जो मिलाओगे तो यही फिर से बनेगा, ये देखो बन जाएगा कि नहीं,
और इसे ही बनेगा, तो मीडियन इसका सेंट्रॉइड यही रहेगा। तो वर्टाइसेस से बना हुआ ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जी है और उसके मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके मिड पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड वही है। तो कहने का मतलब कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट का सेंट्रॉइड एक जगह रहता है, कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है? कोइंसिडेंट, ये बात ध्यान रखें। तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ना भी निकालते, सीधे आप क्या करते, मिड पॉइंट के सहारे आप तीनों को जोड़कर तीन से डिवाइड और वाई के भी तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर तीन से डिवाइड करते, सीधा आंसर आ जाता। बट ये क्यों दिखाया गया? शॉर्टकट से दिखाया गया, जैसे कि आप मिड पॉइंट दिए वर्टाइसिस निकाल पाएं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जैसा कि आपने डिमांड की है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं, और बहुत सारे सेगमेंटेड एक प्रॉपर वे में क्वेश्चंस के बारे में शायद सोच रहे हैं हम लोग, इस पर प्रॉपरली बात करेंगे। बट अभी के कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस को सजेस्ट किया जा रहा है, आप उनको एक बार ज़रूर लगाएं। आपके सामने है, नंबरिंग मैं कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, फाइव क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप प्रॉपरली इसको देख लें, नोट कर लें, और इससे कि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और बिल्कुल भी इस बात पे, जैसा कि जब क्वेश्चंस आप देखते हैं तो ये कंसर्न ना हो कि क्वेश्चंस इजी दे दिए जाते हैं, इजी और टफ इन बातों पर बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते हैं और ना ही आप ध्यान दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ना ही कोई चीज़ टफ है ना कोई चीज़ इजी है, जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फाउंडेशन के लिए क्या ज़रूरत है, उसमें ना तो कोई बिल्डिंग है, उसकी फाउंडेशन जब बनाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा डाल दी, कोई भी चीज़ आपने सरिया ही ज़्यादा लगा दी, तो वो फिर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो प्रोपोर्शन होता है उसका। तो मेरी बात को लास्ट में जब बाइंड कप कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, और थैंक यू।